एक दफा का जिक्र है, बगदाद का एक शख्स हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के पास आया। इसने शेख के सामने अपना वाकया बयान किया कि मेरी नौजवान लड़की को मकान की छत से कोई उठाकर ले गया है, आप कोई तरकीब बताएं कि मेरी लड़की वापस आ जाए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इस शख्स से कहा कि तुम फला कब्रस्तान में जाओ और अपने गिर्द हिसार खींचकर बैठ जाओ, और हिसार करने का तरीका ये बताया, बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर पढ़ते हुए अपने गिर्द एक लकीर खींच लेना। इशा के बाद जिन्नात की एक जमात मुख्तलिफ शक्लों और सूरतों में तुम्हारे सामने से गुजरेगी, तुम उनको देखकर घबराना नहीं। इस जमात के बाद जिन्नात का बादशाह आएगा, वो तुमसे दरियाफ्त करेगा कि क्या जरूरत पेश आई, क्यों आए हो, तो उसके सामने अपना वाकया कह देना और बता देना कि मुझे अब्दुल कादिर ने भेजा है। वो शख्स कहते हैं मैंने ऐसा ही किया, और जिन्नात की जमात मुख्तलिफ सूरतों में मेरे सामने आना शुरू हो गई। वो इस दायरे से बाहर ही रहती थी जिसमें मैं बैठा हुआ था। सबसे आखिर में जिन्नात का बादशाह आया, वो घोड़े पर सवार था और जिन्नात की जमात इसके गिर्द खड़ी थी। वो हिसार के मुकाबल आकर खड़ा हो गया। इसने मुझसे कहा ए इंसान क्या बात है, मैंने जवाब दिया मुझे आपके पास शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा है। शेख का नाम सुनकर वो अपने घोड़े से उतरकर हिसार के बाहर बैठ गया, इसके साथी भी इसके साथ बैठ गए। फिर इसने मुझसे पूछा कि क्या वाकया पेश आया है, मैंने इनसे अपनी बेटी का वाकया कह सुनाया। इसने ये वाकया सुनकर अपने एक साथी से जो इसके करीब ही खड़ा था हुक्म दिया कि इस जिन को पकड़कर हाजिर करो जिसने ये गुस्ताखी की है। चुनाचा वो जिन बादशाह जिन की खिदमत में हाजिर कर दिया गया, इसके साथ मेरी बेटी भी थी। बादशाह ने इस जिन से सवाल किया कि तूने कुतुब आलम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के इलाके में ऐसी हरकत क्यों की। इसने जवाब दिया मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी, इस बिना पर मैं इसको अपने साथ ले आया हूँ। ये सुनते ही बादशाह ने इसकी गर्दन मारने का हुक्म दे दिया, चुनाचा फौरन ही इसकी गर्दन उड़ा दी गई और मेरी लड़की मुझे वापस कर दी गई। मैंने शेख अब्दुल कादिर के हुक्म और इताअत की ऐसी मिसाल नहीं देखी। इसने मजीद बताया शेख अब्दुल कादिर अपने मकान में जिनों को देखते हैं, ख्वा जिन किसी भी खिता में हों, इसलिए वो जिन आपसे घबराते हैं क्योंकि अल्लाह ताला जिसको कुतबियत के दर्जा से नवाजता है तो जिन और इंसान को उसके ताबे बना देता है।